मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। अब आज़ादी मिलने वाली है, जश्न मनाना है आज़ादी के बाद, नया साल भी है। हाँ, बूंदी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, बूंदी बटने वाला आज प्रस्ताव हो जो है वोट पड़े थे, तुमको पता चल गया है? अरे बात लीक हो गई। अच्छा, जेवे का चलो चलो, अच्छा शांत, हम लोग मनाएंगे और क्या, नया साल 31 तारीख को। किसका बर्थडे? किस, दो तीन लोग बर्थडे होगा तो काम हो जाएगा, उतने नहीं तीन का है तो सही है। चलो अच्छा, शुरू करते हैं। जनवरी याद है, इन लोगों को केक कटा था इसलिए याद है। चलो पढ़ते हैं, आज क्या पढ़ना है, लास्ट चल रहा है हम लोगों का एकदम, बिल्कुल क्या था टॉपिक हमारा, बूंदी बटत बटत। अंतरिम सरकार है एक जो है, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे आज हम लोग, अंतरिम सरकार का गठन 1946 में, ठीक है, तो ये अध्ययन करेंगे अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन क्यों हो रहा है, इसके पहले एक मिशन आया था, क्या नाम था, कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन आया था, और कैबिनेट मिशन में जो दो मुख्य बातें थी उनमें से एक बात ये भी कही गई थी कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए, अंतरिम सरकार की, हाँ अंतरिम सरकार गठित किया जाना चाहिए, ये किसने कहा था, कैबिनेट मिशन ने कहा था। तो कैबिनेट मिशन द्वारा जो बात कही गई थी कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन हो, तो इसके लिए भारत में क्या किया गया, अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब इसके लिए तुमको ये समझना होगा कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे, तो आपको याद ही होना चाहिए उस समय क्लीमेंट एटली थे, एटली महोदय थे, तो ये दो तीन बातें हैं इनको याद रखना होगा। एटली जो है पीएम थे कहाँ के, इंग्लैंड के, और अभी वायसराय कौन थे इस समय, वेवेल थे, वायसराय वेवेल थे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर वेवेल महोदय जो है, चूँकि एटली ने घोषणा कर दी थी कैबिनेट मिशन के तहत जो है बात हो गई थी कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए, तो इस वजह से वेवेल ने नेहरू जी से कहा, नेहरू जी की कांग्रेस के उस समय एक रसूखदार नेता थे, कांग्रेस के रसूखदार नेता थे, तो इनको 1 अगस्त को बुलाया जाता है, किसको, नेहरू जी को, 1 अगस्त 1946 को नेहरू जी से कहा जाता है कि नेहरू जी जो है आप आइए और अंतरिम सरकार गठित कीजिए, ठीक है। इनके पास सूचना भेजी जाती है, किसके पास, नेहरू, 1 अगस्त 1946 को वेवेल महोदय सूचना भिजवाते हैं जो वायसराय थे, ठीक। अब ये जो है 24 अगस्त को घोषणा करते हैं कि हम लोग जो है सरकार बनाएंगे, 24 अगस्त 1946 को। अब इसमें देखो अंतरिम सरकार में शुरू में लीग नहीं शामिल होती है, शुरुआत में लीग नहीं शामिल होती है। अंतरिम सरकार का मतलब ये था कि एक सरकार का गठन हो जाएगा जो केंद्र में, मतलब सरकार चलेगी और उसके हिसाब से सारे नियम कानून बनाए जाएंगे, सरकार ही देश को चलाती है, तो इसलिए
अभी सत्ता हस्तांतरण का समय आ चुका था धीरे धीरे करके, तो भारतीयों को सत्ता देना है तो उसके पहले थोड़ा बहुत उनके पास बोझ लादना पड़ेगा, बोझ देना पड़ेगा। तो इसलिए बोझ देने के लिए एक सरकार गठन किया जाएगा। तो उसके लिए वेवेल महोदय जो वायसराय थे भारत के, उन्होंने नेहरू जी को आमंत्रित किया। कब? 1 अगस्त 1946 को निमंत्रण भेजा कि भैया आ करके तुम अपनी सरकार बनाओ, ठीक है, अपने मंत्री मंत्री लेकर आओ और सरकार का गठन करो। तो नेहरू जी कहते हैं ठीक है। तो 24 अगस्त को ये घोषणा करते हैं, कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे, बेशक जो है जिन्ना ना शामिल हो। इसमें लीग शामिल नहीं हो रही थी। लीग जो है, मैंने बताया था कि लीग जो है निकल गई थी, वो उसने बाद में आकर के पलटी मार दी थी और कही थी कि जो है हम कैबिनेट मिशन की बातें नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है लीग अभी शामिल नहीं हो रही है इसमें। जब लीग शामिल नहीं हो रही है तो फिर सिर्फ जो है कांग्रेस ने बनाई सरकार। किसने बनाई? कांग्रेस ने। तो 2 सितंबर को, कब? 2 सितंबर 1946 का दिन है। इस दिन कांग्रेस के 12 सदस्यों ने, कितने? 12 सदस्यों ने जो है सरकार बनाई, कांग्रेस के 12। तो शुरुआत में कितने सदस्य थे इसमें? 12। और सभी क्या थे? कांग्रेसी थे। सभी क्या थे? कांग्रेसी थे, क्योंकि लीग इसमें आई नहीं, इसमें लीग आई नहीं पार्टी में। तो इसलिए कांग्रेस ने अपनी सरकार बना दी 12 लोगों को मिला करके। कब? 2 सितंबर 1946 को। तो ये डेट याद रखना है, ठीक है। 2 सितंबर 1946 वाली डेट आपको याद रखनी है कि नेहरू जी के नेतृत्व में पहली अंतरिम सरकार बनी, राष्ट्रीय स्तर की पहली अंतरिम सरकार कब बनी? 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। लेकिन अब जिन्ना जो है, जिन्ना भी देख रहे थे मामला सब की जो है, ये तो सरकार बना लेंगे, हम लोग बाहर बैठे रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उधर जो है वेवेल महोदय भी प्रेस डालते हैं, किसको? जिन्ना को। वेवेल महोदय भी कहते हैं भैया तुम खाली बैठे हो, जाकर सरकार में घुस जाओ, नहीं तो फिर कांग्रेसी मलाई मारेंगे। तो वेवेल को समझ में बात आ जाती है जिन्ना को। तो जिन्ना महोदय भी कहते हैं ठीक है, हम भी शामिल होंगे। जिन्ना महोदय भी कहते हैं हम भी शामिल होंगे। तो ये जब शामिल होते हैं तो इनके लीग से 5 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। कितने? 5 सदस्य। तो ये ध्यान रखना, लीग से कितने सदस्य शामिल होते हैं? 5। तो संख्या हो जानी चाहिए 12, 5, 17, लेकिन संख्या रहनी है कितनी? 14। तो कांग्रेस से 2 सदस्य निकाल दिए जाते हैं। कांग्रेस के 2 सदस्य क्या कर दिए जाते हैं? निकाल दिए जाते हैं। तीन सदस्य कांग्रेस के निकाल दिए जाते हैं। 3 सदस्य निकाल दिए जाएंगे तभी तो इनके 5 शामिल होंगे। तो क्या हो जाएंगे? 9, 5, 14। तो कांग्रेस के 9 सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है, कांग्रेस के 9 सदस्य और लीग के 5 सदस्य। तो कुल सदस्यों की संख्या हो जाती है 14। कब की स्थिति है? 2 सितंबर की। 2 सितंबर को जो अंतरिम सरकार में मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, कितने हो जाते हैं? 14। कितने हो जाते हैं? 14। तो यहाँ से आंकड़ा आपको याद रखना है कि 26 अक्टूबर, ये डेट थी 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को जिन्ना अपने जो है लीग के लोगों को भेजते हैं। तो ये वाली तारीख याद रखना, 26 अक्टूबर 1946 की। 26 अक्टूबर 1946 दूसरी बार इसका क्या होता है? पुनर्गठन होता है अंतरिम सरकार का। पहले तो राष्ट्रीय अंतरिम सरकार जो है पहली 2 सितंबर को गठित हो गई थी, लेकिन जब वेवेल के मनाने पर जिन्ना शामिल हो गए तो जिन्ना ने 5 लोगों को लीग से भेजा, और लीग से 5 लोग जब आते हैं तो कांग्रेस से 3 लोगों को हटा दिया जाता है। तो 26 अक्टूबर को दोबारा जो है सरकार गठित होती है। दोबारा राष्ट्रीय अंतरिम सरकार कब गठित होती है? पुनर्गठित होती है 26 अक्टूबर 1946 को। और अब सदस्यों की संख्या हो जाती है 14, ठीक है। तो ये आप याद रखना, पहले शुरुआत में 12 थे, 12ों कौन थे? कांग्रेसी थे, जो 2 सितंबर 1946 की बात है। बाद में जिन्ना महोदय शामिल हो गए तब संख्या हो गई, जिन्ना मतलब जिन्ना के लोग 5 लोग शामिल हो गए इन लीग से, तो फिर संख्या हो गई 14। तो प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि कितने लोगों की सरकार गठित हुई थी अंततोगत्व फाइनली? 14 लोग इसमें मेंबर्स थे, मंत्री थे। किसमें? अंतरिम सरकार में। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण मंत्री हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू जो थे वो तो हेड ही थे इसके, ठीक है। तो नेहरू महोदय को उपराष्ट्रपति वगैरह का पद दिया गया, मतलब कहा गया आप उपराष्ट्रपति हो गए। इसके अलावा विदेशी मामले दिए गए इनको, कौन से मामले? विदेशी मामले। और इसके अलावा राष्ट्रमंडल का मामला दिया गया, राष्ट्रमंडल जो कि क्या था, जो मतलब अंग्रेजों के अधीन रह करके उसमें राष्ट्रमंडल में शामिल होते थे, तो जो जहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया था जिन जिन देशों में, तो उन देशों का एक समूह था जिसको राष्ट्रमंडल कहा गया, ठीक है।
अभी भी जो है राष्ट्रमंडल संगठन चलता है जिसकी कॉमनवेल्थ नाम से मीटिंग्स होती है, ठीक है। तो इस ये मामले किसको दिए गए, विदेशी मामले थे ही, तो राष्ट्रमंडल विदेश का मामला हो गया, तो नेहरू जी इसके क्या थे, जो है हेड थे, ठीक है। और इसके अलावा सरदार पटेल जी का नाम आता है, सरदार पटेल जी जो कि गृह मंत्री थे, क्या थे, गृह मंत्री थे, ठीक है। ये एक अस्थायी सरकार है, ठीक है, अंतरिम सरकार है, एक अस्थायी सरकार है जिसमें पटेल जी क्या थे, गृह मंत्री, और हम भी थे उसमें, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इनको जो है कृषि वगैरह का विभाग दिया गया था, क्या दिया गया था, कृषि का विभाग दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और एक महिला भी थी, अरुणा आसफ अली, आपने नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी था अरुणा आसफ अली, जो कि 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, हाँ, उनको जो है 1942 की झांसी की रानी भी कहा गया है, बिल्कुल सही कहा। और इसके अलावा वो मतलब उन्होंने तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ग्वालियर टैंक में, ग्वालियर टैंक के मैदान में, तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है। तो अरुणा आसफ अली को रेल जो है दिया गया, अरुणा आसफ अली, ठीक है। तो ये इनको रेल दिया गया, क्या दिया गया, रेल, रेल मंत्रालय दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप सी राज गोपालाचारी भी थे, कौन थे, सी राज गोपालाचारी, इनको क्या दिया गया भाई, शिक्षा वगैरह दिया गया, इनको क्या दिया गया, शिक्षा मंत्रालय दिया गया, सी राज गोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय पाते हैं। और इसके अलावा जो है और भी थे, चार पांच नाम ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, लियाकत अली थे, जिनको वित्त दिया गया, जो किससे थे, लीग से थे, लियाकत अली जो, इनको वित्त विभाग दिया गया, क्या दिया गया, वित्त विभाग दिया गया, वित्त मामले, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जहाँ से प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं किसको क्या मंत्रालय दिया गया, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है इनमें 14 मंत्री शामिल हुए और ये अंतरिम सरकार का क्या हुआ, गठन हुआ था, ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो नहीं शामिल हुए थे, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नहीं शामिल किया गया था, और भीमराव अम्बेडकर भी नहीं शामिल हुए थे। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है, इन लोगों का नाम दे देगा और फिर उसमें जोड़ देगा किसको, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम, कहेगा इनमें से कौन अंतरिम सरकार की मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ था, तो कौन नहीं शामिल हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद नहीं शामिल हुए थे, और जो है अम्बेडकर जी को भी नहीं शामिल किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये अंतरिम सरकार का क्या होता है, गठन हो जाता है, ठीक। अब ये सरकार गठित हो जाती है, लेकिन अभी जो है भारत में जो है एटली महोदय घोषणा आप करेंगे, एटली महोदय की क्या होगी, एक घोषणा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार फटाफट इसको जो है एक मिनट में रिवाइज करते हैं। अंतरिम सरकार किस आधार पर गठित होती है, कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर। प्रधानमंत्री कौन थे, एटली महोदय थे, ठीक है। तो वेवेल जो कि इस समय वायसराय थे भारत के, उन्होंने 1 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनाने के लिए किसको आमंत्रित किया, जवाहरलाल नेहरू जी को। और 24 अगस्त 1946 को नेहरू जी ने जो है घोषणा कर दी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, मतलब घोषणा इसलिए कर दी कि सब जो भी शामिल होना चाहता, जैसे लीग वगैरह शामिल होना चाहते थे, सब लोग शामिल हों। और जब देखा गया कि लीग वगैरह शामिल नहीं हो रही, तो इन्होंने 2 सितंबर को जो है सरकार बना दी, 12 सदस्य शामिल हुए, ठीक है, जो सभी क्या थे, कांग्रेसी थे। लेकिन बाद में जिन्ना को मनाया गया, तो जिन्ना भी शामिल हो गए, राजी हो गए। तो जिन्ना जब राजी हुए, तो फिर से 26 अक्टूबर 1946 को क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। और पुनर्गठन किया गया तो फिर इसमें जिन्ना के 5 यानी लीग से 5 सदस्य और आए, तो अब यहाँ से कांग्रेस से 3 सदस्यों को हटा दिया गया। तो इस तरीके से टोटल फाइनल कितने बने, 14 सदस्य, ठीक है। तो इस अंतरिम सरकार में कुछ लोग जो मंत्री बने थे, जैसे आपका सरदार पटेल गृह मंत्री, नेहरू जी जो है उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल, राजेंद्र प्रसाद कृषि विभाग दिया गया, अरुणा आसफ अली रेल मंत्री, ठीक है, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय, और लियाकत अली वित्त, इन सब लोगों को कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय जो थे ये दिए गए। अब हम लोग पढ़ेंगे एटली की घोषणा, इसकी एटली घोषणा, ठीक है। एटली महोदय एक घोषणा करते हैं, कहाँ पर, लंदन में, एटली जो कि क्या थे, प्रधानमंत्री थे। अब ये सत्ता हस्तांतरण से संबंधित बातें चल रही हैं लंदन में, कहाँ पर, लंदन में, कि अब सरकार भी गठन हो गया है, सब लोग जो है सीख रहे हैं, अभी सरकार गठित करके देश चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो अब हम जो है यहाँ पर 2 घोषणा करते हैं एटली महोदय, कॉमन्स हाउस में, कहाँ पर, लंदन, लंदन में जो है कॉमन्स हाउस है, जैसे उच्च सदन होता है, निम्न सदन होता है भारत में, उस तरीके से वहाँ पर जो है
कॉमन्स हाउस जो लोकसभा जैसे भारत में है उसी तरीके से कॉमन हाउस होता है, लोकसभा की तरीके से वहाँ कॉमन हाउस होता है, ठीक है। तो कॉमन हाउस में एटली महोदय घोषणा करते हैं 20 फरवरी को, ठीक है, जिसको कहा गया एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली महोदय एक घोषणा करते हैं अपने मंत्रिमंडल के सामने, कहाँ पर, लोकसभा में, जो उनका कॉमन हाउस था उसमें घोषणा करते हैं कि जो है हम शीघ्र ही भारतीयों को क्या करेंगे, आज़ादी देंगे। और उन्होंने डेट भी दे दिया, कहा 30 जून से पहले भारत आज़ाद हो जाएगा, 30 जून 1948, ये डेडलाइन दे दिया कि जून के अंत तक हम लोग भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे, और डेडलाइन तारीख दे दिया कि 30 जून, ठीक है। और इसके लिए एक व्यक्ति भेजा जाएगा, नया वायसराय, कौन भेजा जाएगा, नया, देखो अभी जो वेवेल थे, वेवेल इतना ज़्यादा मतलब व्यवहारिक व्यक्ति नहीं थे। अब यहाँ पर जब सत्ता हस्तांतरित करना है उसके पहले भारत का विभाजन भी होना है, अर्थात कोशिश में ये थे कि भारत कोई तरीके से बच जाए, विभाजित ना हो। भारतीय नेता भी बहुत उसमें तैयारी में थे, और हमने देखा था कैबिनेट मिशन में भी जो है वहाँ पर भारत विभाजन की बात नहीं की गई थी, कहे थे पाकिस्तान हमको अलग नहीं बनाना है, कैबिनेट मिशन में भी ये बात कही गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर भारत का जब विभाजन होना है तो वेवेल के बस की बात नहीं थी, वेवेल को लाठी लेके मारते सब नेता, ठीक है, क्योंकि ऐसे यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की बात मतलब चलती जो थोड़ा व्यवहारिक हो, सभी नेताओं से मिलजुल करके बातचीत कर सके। तो यहाँ पर ये घोषणा करते हैं, ऐसा व्यक्ति एक माउंटबेटन है, कौन है, माउंटबेटन। तो कॉमन हाउस में ये घोषणा करते हैं कि अब नया वायसराय जो भारत का बनकर जाएगा वो कौन जाएगा, माउंटबेटन जाएगा। और कब ये घोषणा करते हैं, 20 फरवरी 1947 को। तो ये दो घोषणा होती है 20 फरवरी 1947 को, कहाँ पर, इंग्लैंड के कॉमन हाउस में, इंग्लैंड के कॉमन हाउस में, जहाँ पर सभी जो है सरकार के मंत्री वगैरह बैठे हैं, वहाँ पर एक प्रस्ताव रखा जाता है, उसमें कहा जाता है कि अब जो है भारत को हम शीघ्र ही आज़ाद करने वाले हैं, 30 जून 1948 को सत्ता हम हस्तांतरित करेंगे, और उसके लिए वेवेल की बस की बात नहीं है, और वेवेल की जगह हम भेजेंगे किसको, माउंट बेटेन को नया वायसराय बना करके, जो 24 मार्च 1947 को भारत आते हैं वायसराय बन करके, नए वायसराय, ठीक है। इन्हीं के समय भारत का विभाजन होगा, इन्हीं के समय भारत में सत्ता का हस्तांतरण होगा, भारत आज़ाद होगा। तो वे माउंटबेटन का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। माउंटबेटन से नेहरू जी के थोड़ा सा अच्छे संबंध रहे हैं, क्योंकि पहले एक बार आए थे माउंटबेटन, तो नेहरू जी से बात किए होंगे, तो नेहरू जी से थोड़ा सा इनके संबंध अच्छे थे, इसलिए भी कहा जाता है कि माउंटबेटन को भारत भेजा गया था, ठीक है। तो माउंटबेटन जब आते हैं तो ये जो है एक ये पहला ऐसा इतिहास के समय का ऐसी पहली घटना थी कि अभी क्या होता था कि जिस जहाज़ से बैठ करके मतलब यहाँ से वायसराय जाता था, फिर उसी जहाज़ से वहाँ से नया वायसराय आता था, अर्थात आने जाने में जो 2-3 महीने का समय लगता था, उस समय भारत में वायसराय नहीं रहा करता था। लेकिन ऐसा पहला वाकया था, इन्होंने कहा था, सूचना भिजवा दी थी वेवेल के लिए कि जब तक मैं भारत आ नहीं जाता हूँ वेवेल वहाँ से जो है नहीं निकले, वहीं रहें, ठीक है। तो ये जहाज़ बदला गया, पहले तो ये होता था कि जो भी जिस जहाज़ पर बैठ कर जाएगा जो भी वायसराय दूसरा वही जहाज़ पर बैठ करके वापस आएगा, ये होता था। लेकिन अब के इतिहास में ये हुआ क्योंकि इनको वेवेल से मंत्रणा लेनी थी, भारत की परिस्थितियों के बारे में समझना था। कोई भी देखो कोई भी प्लानिंग, जैसे आप मान लो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम जब उसके बारे में गुरुओं से या जो तुम्हारे जो भी मेंटर होंगे उनसे राय नहीं लोगे, उनसे सीखोगे नहीं, शिक्षा नहीं लोगे, जानकारी नहीं लोगे उसके बारे में, तब तक कहाँ सफलता मिलती है। तो ये चीज़ इस चीज़ को इन्होंने जो है वेवेल के लिए कहा कि वेवेल महोदय रहे हैं यहाँ पर कई वर्ष तक जो है, तो उनसे हमको प्लानिंग मिलेगी, भारत की स्थितियाँ अब जानने को मौका मिलेगा। तो इसके लिए वेवेल को रोक दिया जाता है, और जब जहाज़ से उतरते हैं तो वेवेल महोदय ही इनका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, ठीक है। तो माउंटबेटन का स्वागत होता है, और ये कब आते हैं भारत, 24 मार्च 1947 को आते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर जब आएंगे तो एक प्लान लेकर आएंगे जिसको बोला जाता है माउंटबेटन योजना। क्या बोला जाता है, माउंटबेटन। तो हमारा दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा माउंट, इसी में आगे लिख लेते, माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना, माउंटबेटन योजना, ठीक है। अब इस योजना को मनबाटन योजना भी कहा जाता है। कौन सी योजना, मनबाटन। इन्होंने मन को बांट दिया था ना, किस रूप में, जो है हिंदू मुसलमान के रूप में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में देश का विभाजन कर दिया, तो लोगों के मन को बांटा, इसलिए
मनबाटन योजना, और इनको डिक्की भी कहा जाता था, ठीक है। इनका नाम था तो जैसे निक नेम होता है, मतलब वैसे छोटा नेम किसी का होता है, जैसे राज कहते हैं मुझे, तो इनको डिक्की कहा जाता था, डिक्की बर्ड। तो डिक्की बर्ड प्लान भी कहा गया है इसको, क्या कहा गया, डिक्की बर्ड प्लान। और ये योजना जो है बाल्कन की तरीके से थी, जिस तरीके से यूरोप में जो है बाल्कन राष्ट्र बटे थे, ठीक है। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पर समझाएंगे, अभी इतना समझ लो कि भारत का विभाजन वैसे ही होने जा रहा था जिस तरीके से बाल्कन, यूरोप में बाल्कन का विभाजन हुआ था, तो इसको बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। क्या कागज वहाँ रखा है, लाइट आ गई है तो निकाल लाओ, मेज पे रखा है, हाँ दो रखे हैं, हाँ एक तो चेक वाला है, एक वो है, चेक वाले चार पाँच निकाल देना, और 20 तो बच्चे आते ही होंगे, 25 निकाल देना, उसके 25 निकाल देना, चेक वाले पाँच और उसके 25 निकाल देना, दोनों मेज पे ही रखे हैं उठा लो। मन बाटन योजना और डिक्की बर्ड प्लान, और इसके अलावा इसको कहा जाता है बाल्कन प्लान, कौन सा प्लान, बाल्कन प्लान, ठीक है। तो इसे जो है माउंट बेटन योजना के जो है डिक्की बर्ड प्लान भी कहा गया है और बाल्कन प्लान भी कहा गया है, ठीक है। मन बाटन योजना भी कह सकते हो इसको, क्योंकि जो है मनों को बांटने वाली योजना थी। तो ये माउंट बेटन योजना लेकर आते हैं और ये भारत पहुंचते हैं कब, 24 मार्च 1947 को, ठीक है। अब भारत आते ही ऐसा नहीं कि इन्होंने बांटना शुरू कर दिया, इनका मकसद क्या था, आज़ाद देश को सत्ता हस्तांतरित, दो ही काम के लिए भारत आए थे, ये राज करने के लिए नहीं आए थे। अब तक के जो भी वायसराय है उन्होंने शासन किया, भाई भारत में जो भी वायसराय आता था तो एज ए राजा, बल्कि राजा नहीं कहो, एज ए जो है प्रिंस, राजकुमार की तरीके से, बिना दायित्व का शोषण करना है, एकदम तानाशाह की भांति, जो कानून बनेगा जो कुछ करेंगे हम ही तो कर रहे हैं भाई। लेकिन जो है भारत में जो है लोगों को इस तरीके से, मतलब बिना किसी उसके क्या नाम है दायित्व के काम करते थे, हाँ हाँ यही दोनों, ठीक, पीछे मत करना उसके, ठीक नहीं वो जान रहे। तो जो है मतलब एक तरीके से प्रिंस की भांति जो भी वायसराय आते थे वो यहाँ शासन करके जाते थे, लेकिन माउंटबेटन इतिहास में इसलिए जाने गए कि ये शासन के लिए इनको नहीं भेजा गया था, इनको भारत का बंटवारा करने के लिए और सत्ता हस्तांतरण करने के, दो काम के लिए इनको भेजा गया था। तो ये आते हैं, सत्ता हस्तांतरित करना था, तो इसके लिए ये 24 मार्च आ जाते हैं, और 24 मार्च से लेकर के और 15 अप्रैल तक ये देश का भ्रमण करते हैं, 15 अप्रैल 1947 तक ये क्या करते हैं, देश का भ्रमण करते हैं, परिस्थितियाँ देखते हैं देश में, और जनता से मिलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, सभी पार्टियों से राय लेते हैं, ठीक है, कि क्या जो है माजरा क्या है हिंदुस्तान में, क्या वास्तव में देश को विभाजित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तो सारा कुछ जो है ये बिल्कुल समझते हैं, उस सिनेरियो को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए 24 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक ये भारत का भ्रमण करते हैं, और भारत भ्रमण करके परिस्थितियों को समझते हैं, देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये 3 जून को माउंट बेटन योजना जो है प्रस्तुत करते हैं, कब प्रस्तुत करते हैं, 3 जून 1947 को, 3 जून 1947, तो ये डेट याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल प्रश्न पूछा जाता है, डेट वाइज पूछते हैं यहाँ पर, तो माउंट बेटन योजना कब जो है प्रस्तुत की गई, 3 जून 1947 को। तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की जाती है। अब इसमें जो बातें थी बंटवारे को लेकर के क्या बात की गई थी, तो हम लोग मानचित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है पहले तो ये था कि जो है भारत का वो क्षेत्र देखना है जहाँ पर मतलब मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, ठीक है, भारत को अलग करना है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में। तो एक तो बंगाल वाला क्षेत्र था, एक कौन सा क्षेत्र था, ये बंगाल वाला क्षेत्र, ठीक, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, एक पंजाब वाला क्षेत्र था, एक जो है पंजाब वाला क्षेत्र था। तो इन दोनों क्षेत्रों का क्या किया गया कि इसके लिए आप पॉइंट नोट करेंगे कि जब इसकी बंटवारे की बात आई 3 जून 1947 के जो ये प्रस्ताव योजना रखते हैं, तो उसमें इन्होंने ये चीज़ रखी कि जो बंगाल है जहाँ पर जो है एक तरफ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, एक तरफ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, और दूसरी बात जो पंजाब है उसमें भी एक तरफ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, एक तरफ मुसलमानों, हिंदू मतलब सिख थे, सरदार थे यहाँ पर। तो बंगाल में ये देखा गया कि जो पूर्वी बंगाल है, कौन सा,
पूर्वी बंगाल है जो ऐसे खींचो, पूर्वी बंगाल जो है मुस्लिम बाहुल्य है। कैसा है? मुस्लिम बाहुल्य है। और पश्चिमी बंगाल जो है हिंदू बाहुल्य है। हालांकि हिंदू ज़्यादा, मतलब मुसलमान और हिंदुओं की संख्या लगभग बराबर थी, एकदम बिल्कुल थोड़ा बहुत अंतर था, ज़्यादा थी मुसलमानों की संख्या तो, लेकिन पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा थे। तो पूर्वी बंगाल को विभाजित किया जाएगा पूर्वी पाकिस्तान के रूप में। किस रूप में? पूर्वी पाकिस्तान के रूप में। लेकिन कहा गया कि नहीं, ऐसे नहीं विभाजित किया जाएगा, पहले यहाँ की प्रतिनिधि जो हैं, इस राज्य के जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि कौन, जो यहाँ के सदस्य हैं, जिन्होंने जो है अभी यहाँ प्रांत सरकार किसने बनाई थी, लीग ने बनाई थी, ठीक है, तो यहाँ के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जाएगा, उनकी सहमत पर विभाजित किया जाएगा। ये तो ये दो राज्य पहले बलि का बकरा बनते हैं, कौन, पंजाब और बंगाल। तो बंगाल को विभाजित किया गया प्रतिनिधियों की सलाह पर, उनसे मशवरा करके, तो उनसे मशवरा करके बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ठीक, पूर्वी बंगाल विभाजित कर दिया जाता है और पश्चिमी बंगाल, ठीक। तो पूर्वी बंगाल का नाम रखा जाता है जो है पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम रखा जाता है? पूर्वी पाकिस्तान, ठीक, ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जो है अस्तित्व में आता है। और पश्चिमी बंगाल आज है ही है हमारे यहाँ, पश्चिमी बंगाल आज है कि नहीं है, जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं, तो ये वाला पश्चिम बंगाल जो हमारा है, ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो इसका ये अभी हमारे देश में आ गया। तो मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया और पश्चिम बंगाल को क्या बना दिया गया, भारत में शामिल कर दिया गया, जो पश्चिम बंगाल राज्य के रूप में। अब पंजाब का भी दो विभाजन किया गया, पंजाब का जो ये पश्चिम वाला इलाका था, पश्चिम वाला, इसमें मुस्लिम ज़्यादा थे, तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम पंजाब वाला क्षेत्र था, इसको पाकिस्तान में दिया गया। किसको दिया गया? पाकिस्तान को। तो पश्चिम पंजाब वाला हिस्सा कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। और जो पूर्वी पंजाब वाला क्षेत्र था, पूर्वी पंजाब वाला क्षेत्र था, वो किस में आ गया? भारत में आ गया। तभी तो पंजाब दो है, एक पंजाब पाकिस्तान में, एक कहाँ है? भारत में। ये वाला पंजाब जो है हमारा भारतीय पंजाब है, और इधर वाला पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक। तो ये पंजाब दो भागों में बट गए, ये पंजाब जो है दो भागों में बट गया, और बंगाल भी दो भागों में बट गया। बंगाल का इसके पहले भी विभाजन हुआ था धर्म के आधार पे, कब हुआ था? 1905 में। किसने किया था? कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और दूसरी बार जो है अब फिर से जो है पूरी तरीके से विभाजित हो गया एक नए देश के रूप में, जो माउंटबेटन के समय हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये विभाजित हो गया। और रही बात अब इसमें जो है असम वाली, असम में एक जो है यहाँ पर था सिलहट, यहाँ पर असम का एक भाग था सिलहट, सिलहट में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे। तो सिलहट के लिए क्या किया गया, यहाँ पर जो है जनमत संग्रह कराया गया। सिलहट के लिए क्या कराया गया? जनमत संग्रह, कि यहाँ पर वोट डलाते हैं, जैसे अभी हम लोग वोट डाल के आए थे, तो यहाँ पर वोट डलाया गया कि कितने लोग जो है पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, कितने लोग भारत में जाना चाहते हैं। तो चूंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान। तो इनको शामिल कर लिया गया पूर्वी पाकिस्तान में। कहाँ शामिल कर लिया गया? पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक। तो सिलहट वाला हिस्सा चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक। और इधर जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, पश्चिमोत्तर प्रांत था, और पश्चिमोत्तर प्रांत में इसमें बैठे थे सीमांत गांधी। कौन थे? सीमांत गांधी, जो अड़े बैठे थे कि नहीं भैया बंटवारा नहीं होगा देश का, भाई बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा, उन्होंने तो जब लास्ट में गांधी जी बंटवारे के पक्ष में आ गए, तो उन्होंने कहा धोखा हमको हमारों ने ही दिया है। एक कौन सी कहावत है, हम तो हमारी कष्ट हैं, हमको तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी चुल्लू भर था। तो ये जो है सीमांत गांधी जी जो है, ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, इनके बहुत मना करने पे इन्होंने कहा कि बंटवारा हो जाएगा, हम तो पक्ष में है नहीं, और जिन्ना को ये बात पता है, अब जब मैं पाकिस्तान में आ जाऊँगा तो जिन्ना मेरी चमड़ी उधेड़ देगा, क्योंकि भाई जिन्ना जो है वहाँ का वायसराय बनने वाला है। तो इसलिए जो है इन्होंने जो है बहुत विरोध किया था, लेकिन ये फिर बाद में जो है जब बंटवारा हो जाता है तो अनमने ढंग से फिर पाकिस्तान ही रहते हैं लगभग ज़्यादातर इनका, मोस्टली जो है अफगानिस्तान से इनका रिलेशन ज़्यादा फिर हो जाता है, तो इनकी मृत्यु भी अफगानिस्तान में ही होती है, ठीक है। तो पश्चिमोत्तर प्रांत को भी शामिल कर लिया जाता है, किसमें? पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान जो ओरिजिनल पाकिस्तान था, ठीक है। और इसके अलावा सिंध वाला क्षेत्र था, सिंध को भी किसमें शामिल कर लिया गया? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान वाला क्षेत्र था जो है, कहाँ? बलूचिस्तान। यहाँ भी कराया गया जनमत संग्रह, तो बलूचिस्तान में भी क्या कराया गया? जनमत संग्रह। तो ये भी बलूचिस्तान कौन सा हिस्सा था, देखो ये सब यहाँ देख लो मैप में, ठीक है, लाल से बनाते हैं,
ये है पूरा पाकिस्तान वाला, ये है बलूचिस्तान, ये क्या है बलूचिस्तान, ये है सिंध, ये क्या है सिंध, और ये पश्चिमोत्तर प्रांत, ये है पंजाब, ठीक है। तो इस तरीके से ये पंजाब प्रांत है जो पाकिस्तान का है, ये पश्चिमोत्तर प्रांत है, ठीक है, ये बलूचिस्तान है और ये है सिंध प्रांत। तो इस तरीके से ये चार प्रांत जो है किसर चले गए पश्चिम साइड में पाकिस्तान में, जो आज जिसका अस्तित्व है वो इन्हीं चारों प्रांतों को मिला करके पाकिस्तान। बलूचिस्तान वाले तो कहते हैं ये हमारे पूर्वजों ने हमको धोखा दिया था जो पाकिस्तान में चले गए थे, बलूचिस्तान तो अभी भी कहता है हमको हिंदुस्तान चाहिए। तो आने वाले समय में देखो, समय ऐसा आने वाला है कि ये पूर्व फिर से भारत में आने वाला है, क्योंकि इसका जन्म हुआ है और जो जन्म लेता है वो मरता भी है, तो ये मरेगा, ठीक है। इधर से बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में आज भी जन्म संग्रह करा लिया जाए तो भारत में शामिल होने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है पाकिस्तान में जो है आतंकवादियों ने जो, ठीक है, बहुत। और ये यहाँ की जनता शांत रहे, भाई पहाड़ में रहने वाले लोग, पहाड़ी लोग बहुत शांत होते हैं, उनको अपने पेशे से काम से मतलब होता है, लेकिन यहाँ की राजनीति इतनी गंदी है कि इन लोगों ने अपने नेताओं ने अपने चंद स्वार्थ के कारण जो है इस देश को बर्बाद करके रखा है। नहीं तो यहाँ की आम जनता, जो मुस्लिम जनता, आम जनता है, बहुत जो है अमन पसंद, आराम पसंद, शांत पसंद है, तो लेकिन उस तरीके से पिसती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है पाकिस्तान में विभाजित हो गया दो भागों में, एक तो आपका पूर्वी पाकिस्तान बन गया और एक पश्चिमी पाकिस्तान, तो ये दो विभाजन हो गए। बाद में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को जो है, अब इनको जो है यहाँ पर शासन करने के लिए इस तरीके से आना जाना पड़ता था, भारत से हम आने नहीं देते थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है बाद में यहाँ जो है फिर से 1971 में एक जंग होती है, यहाँ की सेना जो पाकिस्तानी आर्मी थी उस आर्मी के खिलाफ भारत की सेना और जो बांग्लादेश की जो सेना थी उस समय, उस सेना ने, मुक्ति सेना ने मिल करके जो है युद्ध किया, और 1971 में मुजीबुर रहमान वहाँ के लीडर थे, उनके नेतृत्व में जो है बांग्लादेश क्या हो गया, आज़ाद हो गया। किससे आज़ाद हो गया? पाकिस्तान से। तो एक नया देश बन गया 1971 में बांग्लादेश, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का पुनः विभाजन होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये विभाजन हो गया, और ये विभाजन जो हुआ, इस विभाजन को जो है सहमत करने के लिए, इस विभाजन पर जो है चूँकि अबुल कलाम लास्ट तक मना करते रहे, जो हमारे अबुल कलाम जी थे आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद जो थे, उन्होंने जो है इसका विरोध किया। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि विरोध करने वालों में कौन कौन लोग शामिल थे, तो आज़ाद जी शामिल थे। सबसे पहले जो है इसकी प्रस्ताव को सबसे पहले किसने जो है अपने फार्मूले में दिया था कि जो है एक नया राष्ट्र बन जाना चाहिए पाकिस्तान, कोई दिक्कत नहीं है, सी राजगोपालाचारी ने, सी राजगोपालाचारी ने, ठीक है। तो ये कांग्रेसी, पहले कांग्रेसी थे जिन्होंने मतलब समर्थन किया था उस परिस्थितियों को देखते हुए, और अपने फार्मूले में सी राजगोपालाचारी फार्मूले भी बात को कही थी, ठीक। यहाँ जो है आज़ाद जी इसका विरोध कर रहे थे, ठीक। लेकिन जब ये प्रस्ताव पारित हो गया, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी, क्योंकि नोवाखाली के दंगे हो गए थे ना उस समय, सीधी कार्यवाही दिवस हुई थी, जिन्ना ने जो 16 कितने तारीख को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को जो है क्या मनाया था, सीधी कार्यवाही दिवस। तो सीधी कार्यवाही दिवस के कारण जो है बहुत भयंकर दंगे हुए थे, तो उस दंगों को देखते हुए, दंगे भी इसलिए किए गए थे कि अब हिंदुस्तान में दो धर्म एक साथ नहीं रह सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो उस परिस्थितियों को देखते हुए गांधी जी जैसे नेताओं को फिर से अपने राय को बदलना पड़ा। नहीं तो गांधी जी ने यहाँ तक कहा था कि मेरे जो है मृत सैया पर होकर के बंटवारा होगा, अगर बंटवारा देश का करने जा रहे हो, नेताओं से कहा कि अगर बंटवारा देश का करने जा रहे हो तो हमारे मृत शरीर से होकर के बंटवारा करना होगा, पहले हमें मारोगे उसके बाद बंटवारा होगा। लेकिन जब देखा परिस्थितियाँ बहुत विकट हो गई देश के अंदर, तो फिर इन्होंने अपनी राय को बदली, तो राय बदलते हैं और उसके फेवर में आए। तो आज़ाद जी जो कि मतलब उस समय उसके विपक्ष में थे कि नहीं बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है 14 जून 1947 को जो है कार्य समिति की बैठक होती है कांग्रेस की, ठीक है। तो महासमिति की बैठक होती, कार्य महासमिति की बैठक होती, इस बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया जाता है विभाजन का, विभाजन का प्रस्ताव पारित किया जाता है, और पारित कर, जो वल्लभ भाई पंत थे, कौन, वल्लभ पंत जी, ठीक है। तो वल्लभ पंत जी जो है इस प्रस्ताव को रखते हैं पटल पर, कौन रखता है, वल्लभ पंत, नहीं सरदार पटेल नहीं, वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। इनका पूरा नाम था गोविंद वल्लभ पंत, तो गोविंद वल्लभ पंत जो है प्रस्ताव रखते हैं, कौन सा, विभाजन का प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव, विभाजन का प्रस्ताव किस में रखते हैं, कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में,
कब बैठक होती है? 14 जून 1947 को। तो विभाजन का प्रस्ताव रखते हैं और इस प्रस्ताव को सबसे पहले समर्थन वही देते हैं जो इसके विरोध में थे, आज़ाद जी। तो मौलाना आज़ाद ने इस प्रस्ताव को सबसे पहले समर्थित किया। किसने? मौलाना आज़ाद ने, ठीक है। तो इन्होंने इसका समर्थन किया, सबसे पहले सर्वप्रथम समर्थन किया था, ठीक। इसके बाद में फिर गांधी जी, नेहरू, इन सब लोगों ने इस प्रस्ताव को समर्थित किया, समर्थन। तो यहाँ से दो चीज़ याद रखना है आपको कि प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था विभाजन का, और बनाया किसने था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो प्रस्ताव को माउंटबेटन ने बना दिया था, लेकिन वो अप्रूव तभी होगा जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो है उस पर मोहर लगाएगी। तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक बैठक की 14 जून 1947 को, और उसमें गोविंद बल्लभ पंत जी ने जो है इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, विभाजन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, और उस पर सबसे पहले समर्थन किसने किया, हाथ किसने उठाया कि ठीक है विभाजन हो जाना चाहिए? तो मौलाना आज़ाद। बाकी बाद में गांधी जी वगैरह ने भी समर्थन किया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर विभाजन जो है प्रस्ताव पारित हो जाता है, और 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाता है, भारत का विभाजन हो जाता है दो हिस्सों में। पाकिस्तान विरोध तो यही लोग कर रहे थे, मौलाना अबुल कलाम भी विरोध कर रहे थे कि पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। अरे तो बताए ना, समर्थन तो इसलिए किया कि परिस्थितियां ही अब ऐसी बन गई थी। बाद में इनको समझाया गया, इन लोगों को जो है माउंटबेटन और ये लोग मिल करके इनको समझाते हैं, कहते हैं भैया देश में दंगे हो रहे हैं, मार काट हो रहा है, और ऐसे परिस्थितियों को देखते हुए कैसे तुम जो है भारत को एकीकृत कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जो है ये लोग फिर बाद में मान जाते हैं, लेकिन लास्ट तक कौन नहीं माना था? सीमांत गांधी नहीं माने थे, ठीक है। सीमांत गांधी लास्ट तक नहीं माने थे, वो बोले थे बंटवारा होना ही नहीं चाहिए। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है लास्ट तक नहीं माने थे इस चीज़ को, ठीक है। तो लास्ट तक ना मानने वालों में भी कुछ लोग थे। तो इस तरीके से ये प्रस्ताव जो है पारित हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग नहीं, जिन्होंने नेगेटिव इस पर वोटिंग किया था, इसके बावजूद भी ये प्रस्ताव जो है कांग्रेस कमेटी से क्या हो जाती है? पारित हो जाती है। और ये अस्तित्व में कब आता है? 14 अगस्त 1947 को। तो 14 अगस्त 1947 को देश दो हिस्सों में बट जाता है, और 15 अगस्त को जो है आज़ाद हो जाते हैं। इसके बाद में अब ये प्रस्ताव लेकर जाएंगे कहाँ? इंग्लैंड में, और वहाँ से स्वतंत्रता अधिनियम पारित करा के लाएंगे भारत के लिए, भारत को स्वतंत्र कराएंगे। तो एक अधिनियम पारित करा के लाएंगे, कौन जो है? वायसराय माउंट बेटन। इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड की सभा में, वहाँ के जो है संस्था में, जो वहाँ की सरकारी जो कॉमन सभा है, ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों से प्रस्ताव पारित कराएंगे, कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कराएंगे। फिर भारत उस स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत क्या होगा? आज़ाद होगा। तो उसकी कुछ बातें हैं जो हम लोग एक क्लास में और देखेंगे, इसके बाद हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। आज़ाद जो है हो करके और फिर जश्न मनाएंगे, लेकिन वायसराय भी पढ़ना है, एक क्लास वायसराय भी, तो दो क्लास अभी होगी हमारे हिस्ट्री की।